अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी श्रिम्प की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने ये 280 ग्राम श्रिम्प ले लिए हैं और इन्हें बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद ये पूरे 280 ग्राम है, ये देखिए, इसे क्लीन अच्छे से कर लें। तो तंदूरी श्रिम्प बनाने के लिए तो सबसे पहले इसका हम मसाला रेडी कर लेंगे। तो तंदूरी मसाले के लिए बोल में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून दही। और ये श्रिम्प जो है ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और ये मैंने लिया है 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ये जितने भी मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ ना, उसकी लिस्ट मैं आपको देती हूँ, आप उसे देख लें अगर आपसे कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया हो तो। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक लिया है, और वाइट सॉल्ट लिया है जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं। इसकी क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। इसमें काला नमक डाला है इसलिए मैंने वाइट सॉल्ट की क्वांटिटी को थोड़ा कम रखा है। और ये मैंने ली है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और 1 पिंच मैंने रेड फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लेमन जूस, और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। मस्टर्ड ऑयल से आप अपनी पसंद से कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बारीक चॉप्ड हरा धनिया, और 4 से 5 मैंने लीव्स ले ली थी उसकी करी की, इसे भी इसमें ऐड कर लेंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सब मसालों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और जो ये हमने श्रिम्प लिए थे इसे इसमें ऐड कर देते हैं। और जितना भी मसाला है इसके ऊपर हम अच्छे से लगा देंगे और इसे मैरिनेट करेंगे करीब 30 मिनट के लिए। जब ये मैरिनेट हो जाएगा फिर इसे हम बनाना शुरू करेंगे। और आप देखिए कितनी आसानी से और बहुत जल्दी से ये श्रिम्प बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। जब भी आपका दिल करे फटाफट बना सकते हैं इसे। तो ये देखिए, श्रिम्प को जो है ना मैंने 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लिया है, और इसमें से मसालों की बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। तो अब इसे मैं सीखों पे लगा लूँगी। आप चाहें तो एक एक श्रिम्प को भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन सीखों पे लगाने से क्या हो जाता है कि ये जो है ना सर्व करते टाइम बहुत अच्छी से दिखती है, तो इसीलिए मैं इसे इस तरह से सीख पे लगा ले रही हूँ। आप देखिए इस तरह से इसे लगाना है, ये देखिए इस तरह से लगा लें। एक बार और दिखा देती हूँ आपको, ये इस तरह से लेंगे, एक ही तरह से लगाएं जैसे यू शेप होता है उसमें, और एक सीख में करीब 4 श्रिम्प तक मैं लगा लूँगी इसमें। ये देखिए बहुत ही इजी है बनाना, बस सब मसालों को मिक्स करिए और मैरिनेट कर दीजिए, और घर के ही मसालों से ये अच्छे से टेस्टी से श्रिम्प बनते हैं। तो इसी तरह से जितने भी श्रिम्प हैं ना मैं सीखों पे लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है, देखें आप। तो श्रिम्प को तो मैंने जो है ना सीखों में लगा लिया है, अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इसे तवे में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे पैन में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे ग्रिल पैन में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बाद में मैं आपको बताऊँगी कि जो तंदूरी श्रिम्प्स मैं बना रही हूँ उसमें तंदूरी फ्लेवर कैसे देना है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो ये तवे में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, करीब 1 टेबल स्पून तक ऐड कर दें, काफ़ी रहेगा क्योंकि जब हमने श्रिम्प को मैरिनेट किया था उस टाइम भी ऑयल को ऐड किया था इसमें। तो ऑयल तो गर्म हो चुका है, तो इसमें जो हमने श्रिम्प लगा के रखे थे सीखों में उसे ऐड कर देंगे, और इसे बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है, एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसे रख देती हूँ, देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो ये देखिए इसे मैं मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ क्योंकि इसमें से जो पानी भी लीक होगा वो भी ड्राई होता है, और जो थोड़ा सा तंदूरी मसाला रह गया था ना उसे भी ऊपर इस तरह से लगा दें, इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा।
तो ये देखिए एक साइड से पकते हुए ऐसे हो गए, दो से तीन मिनट इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। ये देखिए इसको जो मसाला है ना इस तरह से लगा दें, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मसाला जब इसका ड्राई हो जाएगा ना, इसमें पानी है, उसके बाद इसी तरह से इसमें से मसाला लगा दें। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी मैंने इसे दो से तीन मिनट के लिए कुक कर लिया है, तो अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। इसी तरह से करेंगे, जो मसाला है ना ड्राई हो गया जो मसाला, वो इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। ये देखिए मसाला जो है ना वेस्ट नहीं करना, सब इसको लगा देना, मसाले से ही तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। देखिए प्यारे दिख रहे हैं ये, तो बस थोड़ा सा और इसे फ्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो ये देखिए शिम बन के तैयार है, मैं गैस को बंद कर देती हूँ। और फ्रेंड्स जब ये शिम को फ्राई करें और जब इसका पानी ड्राई हो जाए तो फ्लेम को स्लो कर लें, और आप देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। तो कलर भी अच्छा आ गया है और ये कुक भी हो चुका है, लेकिन अभी इसमें तंदूरी फ्लेवर नहीं आया। वो किस तरह से आया ना, चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी सी शिम मैं बना रही हूँ आपके लिए, तो इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फ्रेम को जो है ना तंदूरी फ्लेवर देने के लिए मैंने फ्रेम को ऑन कर लिया है, और इस तरह से मैंने एक जाली ले ली है, इसे इस पे रख दिया है। तो जो हमने श्रिम फ्राई करी थी ना, इसे इस पे रख देंगे, इससे क्या है इसमें बहुत ही अच्छा सा तंदूरी फ्लेवर आएगा इससे, और देखने में भी बहुत अच्छी लगेंगी। ये देखिए, और फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करें, स्लो फ्लेम पर ही रखें। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा दें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लगाएं, इस तरह से ऑयल लगाते जाएं, तो इसमें बहुत ही अच्छा सा तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए इस पर एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया है, और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसकी दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए इस पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, और इसमें तंदूरी फ्लेवर भी आ गया, आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप लोग भी श्रिम को बनाएं, तंदूरी श्रिम तैयार करें अपने घर में, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए अब इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से सर्व करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तंदूरी श्रिम तो बनके तैयार है। तो इसमें मैंने रखी है थोड़ी सी अनियन, और अब ऊपर से ऐड करी मैं थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, जिससे कि देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। और साथ ही में इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर लें, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो बस बनके तैयार है बहुत ही मज़ेदार से श्रिम। तो आप लोग जल्दी से इसे बनाएं अपने किचन में, और बनाने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसे लगे। और देखते रहे मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंजॉय करें मज़ेदार से तंदूरी श्रिम विद शिवाज किचन। थैंक यू।